नमस्कार, यह है किस्सा कहानी और मैं हूँ छाया वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विजडम नगेट्स की चौथी कड़ी। तीसरी कड़ी में मैंने आपको हमारे सिख समुदाय के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी के सद्विचारों की चर्चा की थी। अफसोस भी जाहिर किया था कि ऐसे युग प्रवर्तक हमें जो कुछ भी अच्छा सिखा जाते हैं, हम उनकी सराहना तो हर कदम पर करते हैं, पर उनके बताए रास्तों पर अपने कदम नहीं रखते, हम उन पर अमल नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन महान आत्माओं की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इसी प्रकार हमने अभी अभी 25 दिसंबर 2023 को धर्मगुरु यीशु मसीह के अवतरण दिवस को बड़ी श्रद्धा से मनाया है, पर उनके बताए सही रास्तों पर भी हम कहाँ चल पाते हैं। ये हमें उपदेश देते हैं, हम उन्हें ग्रहण भी करते हैं, समय समय पर याद भी करते हैं, पर उनके अनुसार आचरण नहीं करते, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं उनके आदर्शों को। आज मैं आपको होली बाइबल में लिखित एक दृष्टांत सुनाने आई हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को कभी सुनाया था। बात पहली सदी की है। इज़राइल के मध्य में एक जगह थी समेरिया। यहाँ के निवासी समेरिटन कहलाते थे। यहूदियों और समेरिटन्स में उन दिनों काफ़ी मतभेद था और यहूदी समेरिटन्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो उन्हें अपना शत्रु समझते थे। यद्यपि दोनों एक ही धर्म को मानते थे, लेकिन समेरिटन्स ने कुछ पुरानी मान्यताओं को बदलकर नई मान्यताएं अपना ली थीं। यहूदियों का कहना था कि समेरिटन्स ने इस धर्म को तहस नहस कर रखा है। पहली सदी में इनकी आपसी शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि यहूदियों ने समेरिटन्स के मंदिर तोड़ डाले थे और फलस्वरूप अपने बदले की भावना से समेरिटन्स ने भी यहूदियों के पूजा स्थलों को बर्बाद कर दिया था, उन्हें अपवित्र कर दिया था। ये शत्रुता जोरों पर थी। उन्हीं दिनों यहूदियों के एक नए युग प्रवर्तक यीशु मसीह भी यहूदियों के बीच अक्सर अपने उपदेश देते और नई मान्यताएं सामने रखते। कुछ लोग इनसे भी नाराज़ रहते कि ये हमारे प्रचलित धर्म पर अपने विचार थोप कर धर्म को उल्टा पलटा कर रहे हैं। कुछ लोग इनके कड़े विरोधी हो गए थे। तो एक दिन यीशु यहूदियों के बीच बैठकर कुछ उपदेश दे रहे थे। उन यहूदियों में एक कानून का ज्ञाता वकील भी था। वकील ईसा मसीह का कट्टर विरोधी था। उसने ईसा को परखने के विचार से उनसे एक प्रश्न किया। उसने पूछा कि गुरु, हम अगर अनंत जीवन सुख से जीना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने यह वकील से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी व्यवस्था में क्या इस विषय में कुछ लिखा गया है? जो लिखा गया है वो तुमने पढ़ा है? वकील ने कहा, हाँ पढ़ा है। वहाँ लिखा है कि अपने संपूर्ण मन से, आत्मा से, शक्ति से और बुद्धि से तू अपने प्रभु से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से भी तू उतना ही प्यार कर जितना तू स्वयं से करता है। यीशु ने कहा, बिल्कुल सही, जो तूने पढ़ा है वैसा ही आचरण कर, तू अनंत काल तक सुख से जिएगा। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। लेकिन वकील अभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे यीशु को और भी परखना था और स्वयं को यीशु से अधिक ज्ञानी साबित करना था। इसलिए उसने फिर एक प्रश्न रखा।
वकील के मन में ऐसा था कि हर पड़ोसी को हम अपने समान कैसे प्यार कर सकते हैं, हमारे तो इतने सारे पड़ोसी होते हैं, हम हर किसी को अपने जैसा प्यार करें ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उसने ये जानना चाहा ईसा मसीह से कि वो किसको अपना पड़ोसी समझे। इसलिए उसने पूछा कि हम किसको अपना पड़ोसी समझें। तब यीशु ने सबको एक कहानी सुनाई। कहानी बहुत प्रेरणादायक है और शीर्षक है द पैरेबल ऑफ द गुड सैमरिटन। तो आदरणीय महान आत्मा यीशु मसीह ने यह कहानी कुछ इस तरह आरंभ की। उन्होंने कहा कि एक बार एक यहूदी यरूशलेम से जेरिको जा रहा था। कुछ दूर ही गया होगा कि उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने उसका सब कुछ लूट लिया, यहाँ तक कि कपड़े भी छीन लिए और उसे खूब मार पीट कर लहूलुहान अवस्था में एक सुनसान सड़क के किनारे छोड़कर भाग गए। कुछ देर तक वो राहगीर दर्द से तड़पता रहा और खून से लथपथ अवस्था में यूं ही पड़ा रहा। काफी देर के बाद वहां से एक यहूदी पुजारी गुजरा, जिसे प्रीस्ट भी कहा जाता है। ये यहूदियों के लिए पूजा अनुष्ठान वगैरह करवाया करते थे और यहूदियों में इनका बहुत सम्मान था। ये स्वयं को हर समय पवित्र रखना चाहते थे, इसलिए किसी धूल में सने लहूलुहान व्यक्ति की मदद करने से कतरा गए और उसे घायल व्यक्ति से हटकर सड़क के दूसरे किनारे जाकर चुपचाप आगे बढ़ गए। वो घायल व्यक्ति यूं ही तड़पता रहा। थोड़ी देर के बाद उसी राह से एक लेवी गुजरा। लेवी मंदिरों में प्रीस्ट का मददगार हुआ करता था। प्रीस्ट पूजा अनुष्ठान आदि करता था और लेवी पूजा स्थल की सफाई और देखरेख करता था। वो भी खुद को हर समय पवित्र रखना चाहता था और यहूदियों में वो प्रीस्ट से थोड़ा ही कम समझा जाता था। लेवी ने भी उस घायल व्यक्ति को नज़रअंदाज किया और स्वयं को बचाकर आगे बढ़ गया। घायल व्यक्ति यूं ही तड़पता रहा। कुछ देर बाद उसी राह से एक समेरिटन अपने गधे के साथ गुजरा। उन दिनों गधे अक्सर सवारी का काम आते थे। वो समेरिटन किसी आवश्यक काम के लिए उस रास्ते से कहीं जा रहा था। जब उसकी नज़र उस घायल यहूदी पर पड़ी तो वो उसकी मदद के लिए दौड़कर उसके पास आया। समेरिटन के पास दवा और मरहम पट्टी का इंतज़ाम था। उसने उस व्यक्ति को पहले पानी पिलाया, फिर उसकी मरहम पट्टी की और सहारा देकर उसे अपने गधे की पीठ पर बिठाया। पास ही एक सराय था। समेरिटन घायल व्यक्ति को सराय में ले गया, उस व्यक्ति को सराय के मालिक के सुपुर्द किया। उसकी अच्छी देखभाल के लिए उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि अगर और अधिक पैसे इस पर खर्च होंगे तो मैं वापस आकर दूंगा, अभी मैं काम से जा रहा हूँ। इस प्रकार उस समेरिटन ने उस घायल यहूदी की मदद की। कहानी सुनाकर यीशु ने उस ज्ञानी वकील से कहा, वो घायल व्यक्ति एक यहूदी था, प्रीस्ट भी यहूदी था और लेवी भी। इसके अतिरिक्त प्रीस्ट और लेवी ईश्वरीय कार्यक्रम से अर्थात पूजा पाठ से जुड़े रहते थे, इस कारण ईश्वर के अधिक करीब थे। ईश्वर अपने मनुष्यों से क्या चाहता है वे दोनों ही अच्छी तरह जानते थे, फिर भी एक ज़रूरतमंद इंसान की मदद नहीं की, ईश्वर के अनुसार आचरण नहीं किया।
लेकिन सैमरिटन ने बिना सोचे विचारे कि वो घायल व्यक्ति उसका मित्र है या शत्रु, उस व्यक्ति की मदद की और उसे सुरक्षित सराय तक पहुंचाकर स्वस्थ होने तक आश्रय भी दिया। यीशु ने वकील से पूछा, अब तुम बताओ, उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी इन तीनों में से कौन था? वकील ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, वो तीसरा व्यक्ति, वो समेरिटन, जिसने मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद निस्वार्थ भाव से की। यीशु ने अंत में कहा, तो समझ लो, ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने आसपास रहने वालों को ही पड़ोसी समझें। हमारा पड़ोसी कोई अजनबी व्यक्ति भी हो सकता है जो मुसीबत में हो और उसे मदद की ज़रूरत हो। ऐसे आदमी की मदद अपना पड़ोसी समझकर करो। हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपना पड़ोसी समझो और उसे उतना ही प्यार दो जितना तुम स्वयं से प्यार करते हो। हर ज़रूरतमंद इंसान तुम्हारा नेबर है, इसलिए लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, और ऐसा करके तुम अनंत काल तक सुखी जीवन जी सकोगे। इस प्रकार यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा अपने मन की बात उसके सामने रखी और वकील ने भी इस बात को समझ लिया। तभी से गुड सैमरिटन एक अच्छी उपाधि बन गया है। किसी निस्वार्थ परोपकारी व्यक्ति को हम सम्मान से द गुड सैमरिटन की उपाधि देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें सभी धर्म हमें सिखाते हैं। हर धर्म हमें ऐसे उपदेश देते हैं और हम इन उपदेशों को याद भी नहीं रखते, आपस में बैर रखते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार करते हैं। आज ये हालत है कि रास्ते में कोई घायल पड़ा रहे, कोई उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता दूसरों के लिए। महान आत्माएं धरती पर आती हैं, हमें सिखाती हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनकी बातों को समझें, लेकिन हम नहीं समझते और न हम सीखते हैं। अगर उन सीखों पर हम अमल करना शुरू कर दें धीरे धीरे ही सही, तो कल्पना कीजिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो क्यों न शुरू करें हम इनकी सीखों को अपने जीवन में उतारना। फिर मिलते हैं एक और महात्मा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।